Then immediately he said, Sahil, wait. I said, what? He said, meri picture chal gayi, tum actor? Nahi to... जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी थी, जिस तरह के आपके लुक्स थे, आमिर खान और शाहरुख खान के साथ कंपैरिजन था, तो वो भी बड़ी बात है। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब सी, वी एंड वी केम टुगेदर, ऑलमोस्ट टुगेदर, यू नो। आमिर सबसे पहले आए थे, उसके बाद मैं आया, फिर उसके बाद शाहरुख, सलमान साथ में आया। इनफैक्ट सलमान और मैं वो एक फिल्म छोड़ने आया था, आई मिलन की रात। सो छोड़ने आया था वो। क्यों? हमारी फितरत एक जैसी थी ना, तो आई स्टिल रिमेम्बर वो ही वाज नॉट जेलिंग वेल विद द डायरेक्टर। तो टी सीरीज मेरी लाल दुपट्टा तब रिलीज हो चुकी थी और मैं उधर ही था टी सीरीज के ऑफिस में, वही ठिकाना होता था, वहीं पे जाके बैठना होता था और वहीं पे वो आई मिलन की रात आ रही थी उसकी। तो वो आया अचानक, तो हे ज़ोइल, हाउ यू? एंड आई सेड, क्या हुआ, क्यों? ही सेड, नहीं यार, नहीं जम नहीं रही बात, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट, हाउ इट्स शेपिंग अप। इज इट ओके? बट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ जो मैं शायद ही किसी को मालूम हो। सो ही सेड कि मेरी फिल्म आ रही है, मैंने प्यार किया। अच्छा। हाँ, बिकॉज मेरी जुलाई में थी, जून जुलाई में मेरी फिल्म रिलीज थी, उसकी नवम्बर में थी, डायरेक्टर। ये क्या हुआ? कहता, नहीं मैं ना एक फिल्म स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं आमिर को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आमिर नहीं सुनना चाह रहा। तो दो दोस्तों की कहानी है, मुनीश बहल और तू। तो जहाँ पे पीपल साहब ने मेरे को गाड़ियों के पास खड़े रह के पार्किंग में सुनाई थी कहानी, इसने भी सुना दी मुझे कहानी। तो मैं कह, डूड डन, करता हूँ। बट वो दैट्स व्हाट आई से ना, कि इट्स डेस्टिनी। सो अचानक पिक्चर रिलीज हुई एंड ही वाज अ सुपरस्टार। यस। कौन सी फिल्म का नाम क्या रखा था सलमान? उसने नाम नहीं रखा। अच्छा। था उस वक्त, और वो लव के लिए शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी। हाँ। और मैं राजदूत यामाहा के लिए शूटिंग कर रहा था। ओके। मैं एड फिल्म के लिए शूटिंग कर रहा था और अचानक कॉरिडोर में ना कोने से मेरे को आवाज आती, साहिल। तो पलट के देखा, सलमान आ रहा है। मैंने कहा, बॉस कंग्रेचुलेशंस, और मेरी फिल्म कहाँ? कहता, अब टाइम कहाँ है यार। सिर्फ सब समय का खेल। तो मैंने प्यार किया नहीं चलती तो सलमान डायरेक्टर होते। He said that, which he was very clear on it. Which plan B था ये। हाँ, उसका plan B था, backup plan था। जो होना चाहिए। Yes, of course. I think it is very, very, very important. ये 1989 के time की बात है और सलमान ने तभी plan B बना लिया था। आज हम management की बात करते हैं। सलमान तब से manage करके आए थे। कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ तक पहुँचा है वो। Yes, of course, of course. You know, it is. I feel it's incredible. Yes. Incredible. I think उसको blessings हैं। He's on a different level.